एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारे जितने भी रामेन ट्राई करती हूँ सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक जैसे तो होते नहीं हैं, क्योंकि सबके फ्लेवर्स अलग होते हैं, स्टाइल अलग होता है, प्रिपरेशन के कुछ कुछ के कॉन्सेप्ट बहुत अलग होते हैं, टेस्ट का तो ऐसा हो जाता है, हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो फिलहाल अभी जो हम आपके साथ ट्राई करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, बट उसी ब्रांड में ना एक मुझे बहुत ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग सा उसका टेक्सचर मिला नूडल का, जो कि है, एक सेकंड मैं आपको पूरा नाम भी बता देती हूँ ऐसे क्यों खेल खेले, नॉन्गशिम सैंगसैंग उडोन रामेन। तो ये है नॉन्गशिम का सैंगसैंग, सैंगसैंग का मतलब होता है फ्रेश फ्रेश, सैंगसैंग फ्रेश फ्रेश, नॉन्गशिम का फ्रेश फ्रेश उडोन रामेन। एंड बोला जा रहा है, जैसे इसमें पीछे लिखा हुआ है, कि ये बेसिकली जो उडोन है दिस इज़ लाइक फुल्ली फ्रेश, एक्चुअल में इसका फ्लेवर यही होता है इस उडोन का। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट कि ये किस तरीके का होगा। एंड भाई साहब, मतलब इसकी फ़ोटो देखो यार, इन्होंने कितनी सुंदर सी बना रखी, मतलब क्या क्या चीज़ें तो है इसके अंदर में। एंड दिस इज़ नॉट वेजिटेरियन, मैं पहले ही बता दूँ ये चीज़, बट दिस लुक्स सो फ्रिकिंग डिलिशियस। एंड अब चल के इसको बना के पका के देखते हैं कैसा है। इसमें जैसे फिश केक वगैरह है और पता नहीं क्या आलू है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डल रखी हैं। तो हम चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा होगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे ही नॉन्गशिम के, शिन रामेन के, ओतुजी के और पाल्डो के, मतलब जितने भी बहुत सारे कोरियन ब्रांड्स हैं उन सब के मैंने रामेन बहुत सारे ट्राई कर रखे हैं। तो आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, एंड नॉन्गशिम की भी फुल प्लेलिस्ट ऊपर लिंक कर दूंगी, आप जाके आराम से इंजॉय करिए, देखिए। एंड एक चीज़ और है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें चाहते हैं ख़रीदना तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट दोनों होती है। ऑफलाइन मार्केट का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी। और जो ऑनलाइन मार्केट है उसके मैंने, वैसे आप अमेज़ॉन से ब्लिंकिट और जेप्टो और क्या है इंस्टामार्ट, मतलब जितनी सारी चीज़ें आ रखी हैं उनमें से आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक होती हैं वो आप अमेज़ॉन पे देख सकते हो, और आपको अगर वहाँ पे नहीं दिखता तो मैंने एक लिंक लगा रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं, बाकी मिल जाता है आराम से। बट हाँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये ज़रूर है कि ऑनलाइन हल्का कॉस्टली पड़ता है, ऑफलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है। ये हमने ऑफलाइन ही उठाया था, ये अराउंड 150 समथिंग कुछ पड़ा था। एंड दिस लुक्स रियली 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 गुड, एंड आई थिंक इसकी पैकेजिंग डिफरेंट है, वो तो जब आप इसकी अंदर में दिखाऊंगी ना प्रॉपर वीडियो बनाते हुए की, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी पैकेजिंग अंदर से कुछ अलग टाइप की है। तो चलिए, हम ज़्यादा वेट नहीं करते और आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली रेडी है हमारा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा दिखने वाला नॉन्गशिम का सैंगसैंग फ्रेश फ्रेश उडोन रामेन। एंड पहली बार मैंने कोई लिक्विड सॉस देखी जो एक्चुअली में लिक्विड ही थी, ये भी नहीं कोई पेस्ट था कि वो घुल मिल गया, तो दैट वाज डिफरेंट। और इन्होंने ये उडोन्स को भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पैक करके दिया हुआ था, क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा पका दिया, हल्का सा, दो मिनट पकाना था, थोड़ा ज़्यादा पक गया, तो इसमें पता नहीं कौन सा तो वेजिटेबल था जो एकदम गुलगुलू गुलगुलू हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम खाते हैं, बट एक चीज़ ज़रूर है, जब मैंने इसके सबसे पहले फ्लेक्स डाले थे ना, वो इतनी तेज़ प्रॉपर सी फूड वाली खुशबू दे रहे थे, इतनी तेज़ दे रहे थे ना, कि आई वाज लाइक यार ये सी फूड है क्या प्योर, मतलब बहुत ही तेज़ स्ट्रॉन्ग सी फूड की खुशबू आ रही थी, मगर फिर आफ्टर 30 सेकेंड्स वो पूरी चली गई थी। चलिए अब हम पहले इसका ये उडोन खा के देखते हैं कैसा है, और कह रहे हैं ऑथेंटिक है। और एकदम अलग टेक्सचर है, जैसे आप इसकी शेप भी देख रहे हो, एकदम एकदम दो तीन सैमयांग नूडल्स को मिला के कॉम्बो चिपका दो तब। और उडोन की भी ना मैंने पहले एक बार एक दिल्ली के अंदर में एक मैंने रेस्टोरेंट ट्राई करा था जहाँ पे मैंने उडोन नूडल ट्राई करे थे, एंड दे वर रियली डिलिशियस। तो उस बेस में अगर मैं उन उडोन को देखूँ और इस उडोन को देखूँ तो काइंड ऑफ दिस इज सिमिलर, बट हाँ टेस्ट वाइज में जैसे पैक्ड होता है क्वाइट गुड, मगर इसके अंदर का खुद ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। बट हाँ हल्का हल्का इसके सूप आई थिंक इसके अंदर में ज़्यादा डिजॉल्व हो चुका है, रज गया है, तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब इसका थोड़ा सूप पी के देखते हैं।
हल्का खट्टा खट्टा, खट्टा मीठा खुशबू, टेस्ट है इसका। बहुत ही लाइट, ऐसा लग रहा है जैसे हाँ एक्चुअली में पानी के अंदर में इसे इन्होंने लिक्विड सॉस डाल दी जो कि एक्चुअली वही कर रहा था, बट दिस इज बहुत ही खट्टा खट्टा टेस्ट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग, लाइट, वेरी लाइट, वेरी लाइट। अब इसका थोड़ा ये सीवीड फिश केक। फिश केक में से ही एक्चुअली में बोला प्रॉपर वो फिश वाली फील आ रही है। अभी क्या है ये बेचारा, पता नहीं क्या था जो मैंने इसको कितना गुलगुला कर दिया, ऐसे लग रहा है न्यूट्रीनगेट से पता नहीं क्या था। तो फिश केक का एकदम प्रॉपर वो वाला टेस्ट है, फुल सी फूड। अब ज़रा नूडल को इस सूप के साथ खा के देखते हैं। बेसिकली इसमें उडोंग का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, मतलब टेस्ट भी क्या ही आ रहा है, उडोंग का वो टेक्सचर आ रहा है और सूप बहुत लाइट लाइट सा है, एकदम खट्टा मीठा टेस्ट है सूप का। तो मतलब इसकी प्रिपरेशन में मज़ा आया, इसका फ्लेवर टेक्सचर सब डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब ऐसा सच में फ्लेवर वाइज मैं बोलूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप मिस कर रहे हो कि यार ये फ्लेवर तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अगर ये नहीं ट्राई किया तो कुछ नहीं ट्राई किया, ऐसा नहीं है। मगर अगर इसके नूडल्स को देखेंगे, मतलब नूडल्स आर क्वाइट गुड, बट इसके साथ एक और चीज़ है कि हम थोड़े और उड़ान वाले ट्राई करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उड़ान का मुझे टेक्स्चर बहुत अच्छा लगा। इट्स लाइक नॉट हैवी बट सुपर चुई, और ऐसा लग रहा है इसको खाने में जैसे पता नहीं कौन सा, तो मैं आटे के गोले को लंबा लंबा करके उसको एकदम चुई चुई बना के खा रही हूँ, तो ये थोड़ा ऐसा वाला फ्लेवर दे रहा है ऐसी फील दे रहा है। तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। और जैसे मैंने बोला फ्लेवर वाइज में मैं कुछ बोलूँगी नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ अलग सा था, बस इसके नूडल्स जो हैं, और नूडल्स आई थिंक हम इसको अलग से नूडल्स ख़रीद सकते हैं, एंड आई थिंक ये जो नूडल्स है ना ये चिली ऑयल हो गया उसके साथ में, या सैमयंग वाले जो सॉस होती है उसके साथ में ही अच्छे लगेंगे, और बाकी आई थिंक कुछ अलग अलग वैरायटी से बनाए तो अच्छे लगेंगे, बट इसका कॉम्बो इज़ लाइक ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है कि ओह यू आर मिसिंग समथिंग। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इन्जॉयबल लगा, इट्स इंटरेस्टिंग। बाकी हम आपसे ऐसे ही फिर से बहुत इंटरेस्टिंग से रामेन की वीडियोस शेयर करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमारा ये पूरा बक्सा ख़त्म हो जाए एंड उसके बाद हम नए भी खरीदें, और कुछ बीच बीच में इंटरेस्टिंग और अलग अलग वैरायटी के आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रामेन रामेन करते रहेंगे। तो यहाँ पे पटाख समझ रहे हो ना, मैं बहुत सारे पढ़े क्या करूँ, मुझे बहुत सारे खरीदने हैं, बहुत सारे नए नए भी आते रहते हैं, सच अ दुविधा। तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम जल्दी आपको ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोस दिखाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।